है गाइस, ये मैं हूँ, ये सिंहागर फोर्ट है, ये स्नेहाशीष है और हमारे यहाँ पर ट्रैकिंग हो रहा है। ये मेरे को बोलना था, मैं बोल दिया। सो राइट नाउ इट्स 5:37 इन द मॉर्निंग और आप लोगों को लग ही रहा होगा हम लोग कहीं निकल रहे हैं, देख लो, नहीं 5:38 हो गया है। मेरे साथ है मेरा दोस्त स्नेहाशीष यहाँ पे और हम लोग अभी जा रहे हैं सिंहागर फोर्ट जो भी कहते हैं इसको। अभी प्लान ये था कि सुबह सुबह जल्दी निकल जाऊँ, सनराइज़ के पहले पहुँच जाऊँ, बट कर्फ्यू चल रहा है यहाँ पे तो इसलिए हम लोग निकल नहीं पाए, थोड़ा लेट किया। लेकिन रास्ता खाली 1 से 1.5 घंटा दिखा रहा है तो हम लोग थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे। वेलकम बैक टू माई चैनल एवरीवन, होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। लेट्स स्टार्ट द व्लॉग विद सम अमेजिंग कंटेंट इन अमेजिंग डे। सो आशीष रेडी, लेट्स गो। Yeah, I've been running and running to keep it 100. It's all that I wanted, but lately I don't get the stomach. The higher the summit, the harder the plummet. They know me all over this planet. I'm just a man and I can't understand it. Proud that I win and I did it myself. यहाँ पे अभी हम लोग चाय पी रहे हैं, अभी बज रहा है सुबह के 6:30, बट इट्स स्टिल, आप देख सकते हो भाई, ये खड़कवासला डैम है। लास्ट टाइम मैं रोहित का शादी पे यहाँ पे आया था, वो भी व्लॉग है, अगर आप लोगों ने वो व्लॉग नहीं देखा जाके अभी देख सकते हो। चाय बहुत अमेजिंग है यहाँ का चाय, तो मैंने सोचा कि यहीं पर थोड़ा रुकते। स्नेहाशीष वहाँ पे अभी बिल पेमेंट कर रहे हैं। स्नेहाशीष चाय कैसा था? बढ़िया ज्यादा ना, अभी ठंड में ऐसा। फिलहाल वी कंप्लीटेड 35 किलोमीटर फ्रॉम हेयर, 14 किलोमीटर स्टिल लेफ्ट, बट अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ा व्यू का दर्शन करेंगे, फिर यहाँ से सीधा चले जाएंगे श्रीनगर फोर्ट, डायरेक्ट वहाँ पे जाकर रुकेंगे। एंड बाय द वे वहाँ करीब आसपास रोहित का शादी हुआ था, एंड दिस प्लेस इज जस्ट अमेजिंग, इज कहते ना मेस्मराइजिंग। Hearing subliminals all in my cell, feel like I'm breaking, I'm falling to hell. Told me I'm sick and I tell her, oh well, rather be dead than to know that I failed. Live for the chase, life is a race, I'm out of space, let me get on my face. I got a taste, want the whole plate, finna get laced if you step out of place. Like, first off, you don't run nothing, all talking, your team bluffing. My squad, we all dream crushing, we ain't rushing, no discussion. All I know is us made for this, paid for this, yeah, slave for this. Been down and I'ma get it right, get off sight like. तो अभी हम लोग यहाँ पे कुछ फोटो शूट्स कर रहे हैं, बट हम लोगों को लगा था कि हम लोग ऊपर जाके फोटो वोटो खींचेंगे, बट यहाँ पे इतना अच्छा व्यूज था और सनराइज भी हो चुका है, सो डिसाइडेड कि यहाँ पे थोड़ा रुकते, थोड़ा व्यू का मजा लेते, फिर हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे। स्नेहाशीष राइट नाउ इज टेकिंग माय सम अमेजिंग फोटोज फ्रॉम हिज अमेजिंग आईफोन। यस प्लीज टेक द फोटो। एंड यहाँ पे देखो गाइस कितना अमेजिंग सा एक व्यू है और सनराइज जस्ट अभी हुआ है। बट एक होता है ना, कुछ दुख हो रहा है कि अगर ऊपर जाते वक्त सनराइज होता तो अलग ही मज़ा आता। मेरा GoPro थोड़ा बहुत इशू कर रहा है, पता नहीं क्यों, मे बी इन लो लाइक विंड कंडीशन में ऐसा कभी कभी होता है, बट फिलहाल मैंने इसको फिक्स कर लिया। एंड दिस इज़ माई कार, आई मीन मेरा फटफटी जो फाइनली इतना चढ़ाई अच्छे से चढ़ा है। और ये देखो रात सब गाड़ी वगैरह आ रहा है यहाँ से। सो जस्ट यहाँ पे पार्किंग हुआ है और हम लोग अभी जा रहे हैं ऊपर, और यहाँ से थोड़ा पैदल जाना पड़ता है, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, थोड़ा बहुत ही है, लेकिन यहाँ से पैदल ही जाना पड़ता है क्योंकि इसके आगे रोड नहीं है। बाय द वे यहाँ पे खाने का पूरा ढाबा जैसा बना हुआ है, पार्किंग एरिया है यहाँ पे। बाय द वे वो है फोर्ट, तो हाँ एनीथिंग। सो ये हो चुका है ट्रैकिंग चालू, मतलब अपना गरीबों का ट्रैकिंग। ये देखो सामने लोग कैसे पैदल जा रहे हैं। तो आशीष आपको ट्रैकिंग करने में तकलीफ तो नहीं हो रहा है? मेरे को ट्रैकिंग करने में कभी तकलीफ नहीं होता है, मज़ा आता है, मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है। सो दिस इज़ द मेन गेट जहाँ से हम लोग अभी एंट्री लेने वाले हैं, कुछ इस तरह से दिख रहा है। ऑलरेडी सांस फूलना चालू हो गया है आशीष। तभी भी इतना दूर है आशीष, अच्छा खासा कार्डियो हो रहा है भाई, जाना किधर है? लिटरली हम लोग का फट गया, हाथ गया है। दिस इज अनदर गेट, गेट नंबर 2, वो नीचे से हम लोग आ रहे थे। अरे बाप रे, जिम में भी इतना कार्डियो नहीं होता भाई, तो एक्चुअली सांस लेने का कुछ तकलीफ हो रहा है। क्या बोला आशीष? हाइट बहुत ज़्यादा है ना। एग्जैक्टली, तो ऑल्टीट्यूड की वजह से हो रहा है। यस, सो ये हाई ऑल्टीट्यूड में थोड़ा बहुत सांस का इशू होता है, हम लोग नॉर्मल टाइम पे रहते हैं, नॉर्मल जगह पे रहते हैं ना। सेकंड नंबर गेट, 90% लोग जो है सुबह आते हैं, आगे चले भी गए ऑलमोस्ट, और हम लोग अभी आए हैं, कोई नहीं चलेंगे थोड़ा। एंड गाइस यहाँ से देखो ज़रा व्यू, ओ माई गॉड इट्स अमेजिंग। आशीष यू शुड थैंक मी फॉर दिस अमेजिंग ट्रिप। दे दे भाई, नहीं देना, नहीं देना यार, ऐसे दोस्त ना हरामी होते। कोई नहीं, अपन भी सह लेंगे थोड़ा। Denim jeans, broken dreams in my pocket. Good
तो हम लोगों ने अभी एक छोटा सा इंसिडेंट देखा, प्यार ऐसे भी होते हैं। तो स्नेहाशीष ने देखा कि एक क्या हुआ, अच्छा मैं ही बताता हूँ। एक लड़की थी, अपना बैग लेके खुद चल रही थी, लड़का के हाथ पे कुछ नहीं था। तो नहीं नहीं बहुत डिस्टेंस में। तो इसका पता है मतलब क्या है? दिस इज कॉल्ड ओ मा गॉड टुरुला। दिस इज एग्जैक्टली टुरुला, टुरुला। बहुत देर से सोच रहा था बोलने के लिए, मेरे को बोलना है, मैं बोलूँ क्या? हे गाइस, ये मैं हूँ, ये सिन्हागढ़ फोर्ट है, ये स्नेहाशीष है, और हमारे यहाँ पर ट्रैकिंग हो रहा है। ये मेरे को बोलना था, मैं बोल दिया। तो अभी यहाँ पे ये एक्चुअली एक छोटा सा मोनूमेंट जैसा बना है, मतलब कुछ होता है ना, वो लोग बनाते हैं मूर्तियाँ। सो बेसिकली ये वो उन लोगों के ऊपर बेस करके बनाया गया मूर्तियाँ। पहले का लोग इस टाइप के कपड़ा वपड़ा पहनते थे। तो कुछ फ़ोटोज़ ले लेता हूँ मैं। बाय द वे गाइस, इतना शांति है, मतलब पहले तो और भी था, जब से वो तानाजी मूवी रिलीज़ हुआ उसके बाद से थोड़ा बहुत भीड़ बढ़ा है यहाँ पे, एज यू कैन सी। है बस ये कुछ समाधि है यहाँ पे, एक फोटो बनता है भाई। खो गए हम कहाँ, रोड है कहाँ, चलते हैं तो चलते हैं, स्नेहाशीष कुछ बोलते हैं, बोल देना भाई। नहीं नहीं कुछ भी, मतलब कुछ भी गा रहे हैं। ए देखो ए ग्रामे रास्ता, ये गांव का होता है ना ऐसे, रास्ते में साइकिल लेके जाते हैं यहाँ से, चलो देख के आते क्या है यहाँ पे। ऐसे बहुत सारे रास्ते हैं भाई जब यहाँ पे इधर उधर करके, बट यहाँ पे बोला गया कि ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, 2 घंटा लगेगा टोटल जाओगे एक्सप्लोर करने के लिए, और अपने में उतना हिम्मत है नहीं। अपने को वो एडवेंचर चाहिए था, अपन एडवेंचर ले लिया, बट व्यू जो है उस पर हम लोगों को बहुत मज़ा आया। इनफैक्ट अभी भी आ रहा है, एक चीज़ दिखाऊँ मज़ा आएगा, ये देखो यहाँ वहाँ वहाँ पूरा एकदम ख़त्म कहानी, जिंदगी के एंड में खड़े हैं हम लोग। और ये रहा पूरा फोर्ट का, वहाँ पे व्यू पॉइंट है, यहाँ पे पहाड़ है, यहाँ पे स्नेहाशीष है, और यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पे एक्सप्लोरिंग हो रहा है। स्नेहाशीष का आईफोन से फ़ोटो खींचा जा रहा है यहाँ पे फिलहाल। अभी हम भी यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ लेंगे, शायद से यहाँ पे एक टाइम लैप्स पॉसिबल नहीं है, ट्राईपॉड नहीं है मेरे पास, लेकिन अगर पॉसिबल होगा, या फिर देखो बादल नहीं है तो टाइम लैप्स लेने का फ़ायदा तो है नहीं। So after capturing some amazing clicks, photos, now we are going towards that side because वहाँ पे view obviously अच्छा आएगा, शायद photos भी अच्छा आएगा। But मज़ेदार बात ये है, कितना बज रहा है घड़ी में अभी? 8 बज रहा होगा, 8:10 sunlight अभी भी ऐसा लग रहा है, बहुत pleasant है, हवा भी बहुत अच्छा आ रहा है आप लोगों को, क्या इसलिए बेस्ट है। और मुझे ना ये रोड में सच में बहुत डर लग रहा है। स्नेहाशीष अगर आप यहाँ पे नहीं आते तो क्या मिस करते? View and view. If you are watching again, then this is for you, view and view. जिसको समझना तो वो समझ जाएगा, आप लोगों को नहीं समझ में आया तो भाई रहने दो। सो अभी ब्लॉगिंग कर रहे हैं स्नेहाशीष, और यहाँ पे एक छोटा सा तालाब है दिखाना चाहता हूँ। बाय द वे ये कम्प्लीटली आई थिंक इंसानों ने खुद ही बनाया होगा, मे बी लेकिन ये मस्त है ना। यस एग्जैक्टली, सी यहाँ पे पहले यहाँ पे साफ पानी शायद आता था, मैंने सुना है वीडियो में, मैंने देखा यहाँ पे पहले साफ पानी आता था, लेकिन फिलहाल अभी इसको बंद कर दिया गया है। शायद यहाँ पे पहले कूड़े वूड़े पानी वाला आता था। नाइस, एग्जैक्टली, इट्स वेरी नाइस। मतलब पीछे इतना अच्छा व्यू, चाहे उधर दिखा उधर, मतलब उस टाइम पे तो और भी ज़्यादा ग्रीनरी था यहाँ पे, अभी तो चलो फिर भी सामान ऐसा हो गया है। एक नंबर, देखो धूप बहुत आ गया, लेकिन एग्जैक्टली मज़ा आ रहा है, एग्जैक्टली चल रहा है। तो थोड़ा सा और जल्दी आना चाहिए था हम लोगों को, नाइट कॉफी की वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। सनराइज एक्चुअली यहां से होता है। Call your name in my mind cuz you call it, you call it, you golden, golden, honestly you know it, me under the street light at the end so I could show you, you golden, golden, honestly you're glowing, me under the mezzanine just so that I could show you, you're golden, hey, you're golden, you're golden, yeah. तो यहाँ हम लोगों ने एक्सप्लोर ख़त्म कर लिया है, अभी जाना है उस साइड पे, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत सारा सामान है। फिलहाल अभी तक फोर्ट का
ऑलमोस्ट ज़्यादातर चीज़ा दिखा ही नहीं हम लोग, तो वहाँ पे ज़्यादा सा चीज़ें तो घोड़ा का स्थल वगैरह वहीं पे है, तो वहाँ पे चल रहे हैं हम लोग फिलहाल। शांति एक होता है, एक होते हैं पूरा क्लियर, कुछ ही नहीं है। अभी यहाँ पे मैं और स्नेहाशीष हूँ और दिस प्लेस इज़ कम्प्लीटली साइलेंट। सोचो रात को यहाँ पे कैसा होगा, मतलब यहाँ देखो पूरा ये जो रोड है और ये जगह पूरा का पूरा फिलहाल राइट नाउ एम्प्टी। एक अगर मैं चिल्लाऊँ ना यहाँ पे तो मतलब एक अलग लेवल का वाइब आएगा। मेरे को चिल्लाना है पर मैं चिल्लाऊँगा नहीं, दिस इज़ वेरी बैड, क्योंकि पीछे लोग तो है ही बहुत सारे। तो स्नेहाशीष फ़ोटो मेरा खींच रहा था वहाँ पे एंड द फोटोज़ आर कमिंग रियली वेल। बस ये सुकून से मतलब कभी को लगता है यहीं पे एक छोटा सा टेंट लगाऊं रह जाऊं। क्यों हाँ क्या लगता है यहाँ पे टेंट होगा तो रह जाओगे? सो वहाँ से उठ के फाइनली हम लोग चोटी पे पहुँच गए हैं। यहाँ पे थोड़ा बहुत लोग हैं, ये व्यू भी बहुत अच्छा है, ऑल्टीट्यूड थोड़ा हाई हो गया यहाँ पे। और ये वो व्यू है जहाँ से हम लोग बात कर रहे थे, वहाँ से एग्जैक्टली हम लोग बात कर रहे थे किस व्यू का। और लिटरली अपना हालत फट गया, लेकिन हवा चल रहा है इसलिए तकलीफ नहीं हो रहा है, तो अपना हालत ख़राब। वैसे भी बहुत ड्राई है, बहुत बहुत ड्राई। मैं जैसे पत्थर ऐसे हिलाया तो पूरा ऐसे ड्राई गिरने लगा। तो यहाँ पे कुछ बोर्ड लिखा हुआ है, डायरेक्शंस आप देख सकते हो, अगर किसी को आना है तो डायरेक्शन फॉलो कर सकते हो। ये बेसिकली मेन जगह है, छोटा सा झील है यहाँ पे। अब यहाँ से डिसाइड करेंगे कहाँ जाना है, किस तरह जाना है। ये देखो छोटा सा झील है। सो करीब बहुत देर चलने के बाद हम लोग एक मंदिर दिखा यहाँ पे, और ये एक अच्छा सा मैदान, मजाक कर रहा हूँ, ये एक तालाब है। अंदर कितना गंदा चीज़ें हो सकते हो समझ सकते हो, पूरा ग्रीन हो चुका है। पहले यहाँ पे शायद कुछ तो था, मंदिर का कुछ तो था, अभी फिलहाल बैठ बैठे से मंदिर। ये ना बंगाल जैसा मंदिर दिख रहा है, तो बंगाल में कुछ ऐसे मंदिर है। डन ओके। सो फाइनली अपना खाना यहाँ पे हुआ, अभी बज रहा है घाड़ी में 10:30 बज रहा है, 11:15 बज रहा है। अभी हम लोग यहाँ से सीधा निकलेंगे, घर जाएंगे। बहुत लंबा रास्ता होने वाला है, थकान वाला। और यहाँ पे जो गाड़ी रखा है वो गाड़ी कुछ अलग टाइप से इन लोगों ने पार्क किया है, तो इसको निकलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाला है। तो सीधा मिलते हैं घर पे, क्योंकि मुझे अभी बहुत ध्यान से गाड़ी चलाना पड़ेगा, क्योंकि रास्ता जो है ऐसा है, तो समझ सकते हो। बाय द वे ये मेरा गाड़ी, अच्छा ये हटा दिया यहाँ पे। सो गाइज अभी मैं घर आया, अभी बज रहा है 3:30 और बहुत बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था रोड में, कम्प्लीट एग्जॉस्ट हो गया था। आके खाना वाना खाया, फिर अभी जस्ट मैं बैठूंगा एडिटिंग करने के लिए, बहुत सारा काम पेंडिंग है, फिलहाल वही ख़त्म करूंगा। सो अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो इस ब्लॉग को एक ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कर देना। फिर मिलेंगे किसी अगले दिन किसी अमेजिंग ब्लॉग में, तब तक के लिए हैव फन एंड जाओ जाके मौज करो और इसको शेयर ज़रूर करना, ठीक है, बाय।